आज हम लोग नेमिंग वर्ड्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के बाद डूइंग वर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। डूइंग वर्ड्स यानी वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स आपने टेक्स्ट ट्यून में भी बहुत सारा बनाया होगा, लिखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स किया होगा, तो वो तो हो गया आपकी पढ़ाई की बात। लेकिन ऐसे भी आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको पता चलता होगा कि सुबह जगते हैं, चलते हैं, वहां से जो जो शुरू होता है, आपके द्वारा जो जो काम होता है, वो सारा डूइंग वर्ड्स ही है। सारा डू से ही करना, डू मतलब करना, सारे डूइंग वर्ड्स ही होंगे और उसको वर्ब्स भी कहा जाता है। जितने डूइंग वर्ड्स हैं वो वर्ब्स हैं। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया काम करने वाले शब्द को क्रिया, जिससे काम का होना पड़ता है। काम का होना, कौन सा काम का होना? पढ़ना, लिखना, आप जो अभी करते हैं, खाना, नहाना, दौड़ना, खेलना, रोना, झगड़ा करना, पढ़ना, ये सारा डूइंग वर्ड्स के ही ग्रुप है और उसका ही एग्जाम्पल है। इसीलिए देखिए इसके डेफिनेशन को, डूइंग वर्ड्स, वर्ड्स विच से समथिंग, वर्ड जो कुछ कहता है, ठीक है। दौड़ना क्या कहता है? दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। खाना, खाने का काम हो रहा है। जो कुछ कहता है, आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स, ठीक है ना, वही कहलाता है डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स। ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, जितने डूइंग वर्ड्स हैं वो सारे वर्ब्स हैं। एक ही डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स को हमने इतनी सारी बातें वर्ड्स की जानकारी के बाद आपको सेंटेंस पे आना। सेंटेंस पे आइएगा तभी तो आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा, जैसे साइंस है, एबीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, सारे में सेंटेंस बनाया होगा, सेंटेंस में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी तो आप समझना है। वर्ड्स की जानकारी आपको मिलेगी, सारे तरह के जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उसका परिचय आपको मिलेगा। अब कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा नहीं होता। जैसे आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तब नहीं ये सेंटेंस पूरा हुआ। इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सा वर्ड आया? तो इसमें मैं आया, मैं को प्रोनाउन कहा जाता है, दौड़ रहा हूं, एम वॉकिंग, ये वर्ब। तो वर्ब की भी जब जानकारी आपको हो जाएगी तभी तो आप एक सेंटेंस बनाइएगा या सेंटेंस को समझिएगा। जब आप आज वर्ब पढ़ लीजिएगा और सेंटेंस बनाना सीख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, उसके बाद हम आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताएंगे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ। किसी भी चीज को, स्टोरी को अगर लिखा गया है, किसी हैपनिंग को, घटना को लिखा गया है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कैसे तैयार करते हैं, वो हम आपको कॉम्प्रिहेंशन में। आज हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स और नेमिंग वर्ड्स को लेकर कैसे सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस जान जाइएगा फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा। कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया, स्टोरी पढ़ना आ गया, मीनिंग समझना आ गया, तो फिर आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉर्ट आउट करना जान जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे डूइंग वर्ड या वर्ड अपने सेंटेंस में काम करें, किसी भी सेंटेंस में ना, इसके साथ नेमिंग वर्ड्स के साथ मिलकर। नेमिंग वर्ड्स जान गए, अब डूइंग वर्ड जानेगा और तब आपका सेंटेंस तैयार है, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो आगे क्लास में। फर्स्ट सेंटेंस है अमित लाफ्स। अमित क्या है? नेमिंग वर्ड है, स्पेशल नेम है। अमित नाम का कोई आदमी है, लड़का है, जो हंसता है। और ये लाफ्स क्या है?
आज का आपका डूइंग वर्ड या वर्ड। और ये जो पहले क्लास में आपने नेमिंग वर्ड पढ़ा था स्पेशल नेम वो है, ठीक है। दोनों के मिलने से क्या हो गया, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। यानी आपके पास कोई भी स्टोरी लिखा हुआ मिलेगा कंप्रेंसन में या कोई हैपनिंग, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। धीरे धीरे वर्ड अगर नहीं समझ में आएगा तो दीदी से पूछिएगा, मम्मी से पूछिएगा, पापा भैया से पूछिएगा। हम लोग भी कुछ क्वेश्चन का जवाब देते हैं क्वेश्चन आवर में। या इसके बाद डिक्शनरी होता है इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो आप तो स्टैंडर्ड वन में है, अभी से कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और घर में जहाँ डिक्शनरी रखा उसको उठा के लाइएगा और अपने भैया दीदी के पास रख दीजिएगा। बोलिएगा आपको बताओ कैसे देखते हैं डिक्शनरी, कैसे वर्ड का मीनिंग ढूंढा जाता है, वो आपको बताएंगे। शुरू में तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आने लगे। और जब जिस वर्ड का मीनिंग, जैसे लाभ, लाभ का मीनिंग अगर नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में एल वाले वर्ड्स को निकालिएगा और तब आप लाभ का मीनिंग देखिएगा, उसको क्लियर लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा है। और जब बड़े क्लास में जाइएगा तो फिर इसका हिंदी में लिखा है हंसना क्या, और बड़े क्लास में जाइएगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश देखिएगा, थोड़ी और जानकारी दे सके हमको। हम लोग तो इंडिया के रहने वाले हैं, भारतीय हैं, उसमें भी बिहार के, हम लोगों का भाषा हिंदी है, वो हम लोग हिंदी हमारी क्वालिटी है, हिंदी जो है सॉरी हम हिंदी जो है वो हमारी पहचान है। और उस पहचान में क्वालिटी और भी दूसरे दूसरे भाषाओं को सीखकर हम अपनी क्वालिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के बाद सबसे पहले हम इंग्लिश को सीखते हैं, तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे और तब हमारी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ हमने सीखा कैसे क्वालिटी डेवलप हुई, अमित क्या है स्पेशल नेम, और लास्ट डूइंग वर्ड। सेकेंड सेंटेंस में देखो द सन साइंस, द सन सूरज हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है नेमिंग वर्ड स्पेशल नेम, और साइंस क्या है वर्ड डूइंग वर्ड। दोनों को मिलकर कौन सा सेंटेंस तैयार हुआ, सेंटेंस से तैयार हुआ कि सूरज चमकता है, सूरज चमकता है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस है। जनरल कोई बात स्टेटमेंट अपनी बात कहते हैं लिखते हैं तो वो अफर्मेटिव में होता है, उसके बाद उसका निगेटिव नकारात्मक बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो वो सब अगले क्लास में सीखिएगा। फिर उसके बाद है सेंटेंस टॉम रन्स, टॉम है बेटा नेमिंग वर्ड, और रन्स क्या है आप बताइए डूइंग वर्ड। दोनों में भी एक सेंटेंस बना, टॉम दौड़ता है, सोनल स्पेशल नेम सिंग्स, ये डूइंग वर्ड, वर्ड सुंदर गाती है, जॉनी स्पेशल नेम है, और स्लिप्स डूइंग वर्ड है, जॉनी सोता है। दोनों मिलकर एक सेंटेंस तैयार हो गया। यानी आप कोई भी स्टोरी कोई भी सब्जेक्ट अब धीरे धीरे पढ़ना जान जाएंगे और इंग्लिश की आपकी जानकारी डेवलप होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल।